बाहुबली के लिए डर रहे हो क्या? जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ मामा। कटप्पा और शेख असलम में से कौन जीता था? कटप्पा ने किससे ली थी ट्रेनिंग? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में, जहां आज हम बात करेंगे इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द बिगेस्ट मूवी फ्रेंचाइजी बाहुबली के बारे में। आप सभी को बाहुबली का ओपनिंग सीन तो याद ही होगा, जहां एक सौदागर कटप्पा को तलवार बेचने आता है और उनसे एक तलवारबाजी का मुकाबला भी करता है। चाहे वो सौदागर हार जाता है, लेकिन फिर भी वो कटप्पा की रिस्पेक्ट करता है। उसी सौदागर का नाम था शेख असलम खान। असलम खान चाहे एक सौदागर था, लेकिन वो खुद भी तलवारबाजी में काफी ज्यादा अच्छा था, जिस वजह से कटप्पा से हारने के बाद उसने उनकी स्ट्रेंथ की तारीफ की। कटप्पा माहेश्वरी के बेस्ट वॉरियर थे और उनकी तलवारबाजी में काफी सालों की प्रैक्टिस थी, जिस वजह से शेख असलम का हारना 100% कंफर्म्ड था। जैसा कि असलम ने खुद उस वक्त कहा था, और सभी जानते हैं कि अगर कटप्पा अपनी फैमिली फाउंडेशंस में फंसे ना होते तो वो किसी भी कीमत पर एक गुलाम तो बिल्कुल नहीं होते। और अब बाहुबली 3 में हमें पूरा यकीन है कि कटप्पा को उनका हक जरूर मिलेगा और वो 100% माहेश्वरी साम्राज्य की सेनापति बनेंगे। शेख असलम खान की बाहुबली 3 में वापसी जरूर होगी, क्योंकि उनकी कटप्पा से किया गया वादा अभी पूरा होना बाकी है। साथ ही साथ आखिर कटप्पा के इतने शानदार सोल्जर होने के पीछे क्या कारण है? वो उनकी ट्रेनिंग का ही असर है, जो कि उन्होंने अपने पिताजी से हासिल की है। कटप्पा के परिवार के सभी लोग माहेश्वरी के गुलाम रहे हैं और वो खुद ही अपने परिवार के मेंबर्स को माहेश्वरी के सेवा के लिए तैयार करते हैं, जो कि हमें 3rd इंस्टॉलमेंट में देखने को मिल सकता है। और कहीं ना कहीं ये स्टोरी कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा लॉजिकल और ट्रुथफुल है कि इसके ऊपर बाहुबली 3 की स्क्रिप्टिंग बहुत ही ज्यादा शानदार तरीके से की जा सकती है। आपके हिसाब से शेख असलम खान के किरदार की वापसी होनी चाहिए या फिर नहीं, अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज।